हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक कुमार स्वागत करता हूँ आप लोग को रेलवे एग्जाम की 2.0 में। दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेकर के आया हूँ, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए तो क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का, खरीफ फसल और रबी फसल, यानी खरीफ फसल और रबी फसल, इसका ट्रिक। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग का जो टॉपिक है क्वेश्चन का, वह रबी फसल और खरीफ फसल से रिलेटेड है, जिसमें पहला हम लोग देखेंगे खरीफ फसल का ट्रिक। तो खरीफ फसल का ट्रिक यहाँ पे हम बनाए हैं दोस्तों, जब हरा गड्ढा तिल में हो, आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख पाइएगा। चलिए देखते हैं हम लोग, जब हरा गड्ढा तिल में हो। दोस्तों यहाँ पे ज से आपका हो जाएगा ज्वार, ज्वार हो गया दोस्तों। ट्रिक हम लोग का हो गया जब हरा गड्ढा तिल में हो, एकदम बहुत ही सिंपल वे में आप लोग समझ पाएंगे। और बस से हो जाएगा यहाँ पे बजरा, बस से क्या हो गया बजरा, ज से हो गया ज्वार, बस से हो गया बजरा, और यहाँ पे हरा है दोस्तों, तो हरा के बदले हम क्या किए हैं, अरहर, अरहर, हरा के बदले अरहर। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे ग, और ग से क्या हो जाएगा गन्ना, ग से हो गया गन्ना, और ध है, ध से हो जाएगा दोस्तों धान। और इसी तरह से यहाँ पे दोस्तों है तिलहन, यानी तिल है तो तीस से तिलहन हो जाएगा, तिलहन, तिलहन हो गया। और यहाँ पे मे है तो मे से मक्का हो जाएगा दोस्तों। एक बार और देखेंगे, देखिए ठीक है दोस्तों, जब हरा गड्ढा तिल में हो, ठीक है दोस्तों हम लोग का, जब हरा गड्ढा तिल में हो, तो यहाँ पे ज से क्या हो गया दोस्तों ज्वार, ब से क्या हो गया बजरा, हरा है यहाँ पे दोस्तों, तो हरा के सेंस में हम अरहर बना दिए हैं अरहर, और ग से हो गया आपका गन्ना, धा से हो गया धान, तिल से हो गया तिलहन, यानी जितने इसमें तिलहन आ जाएंगे तिलहन हो गया, और मे से हो गया मक्का, मे से हो गया मक्का। इस तरह से हम लोग का खरीफ फसल का ट्रिक हो गया दोस्तों, जब हरा गड्ढा तिल में हो, जिससे हम बहुत ही आसान तरीके से सीख पाएंगे। इसके बाद देखेंगे दोस्तों, खरीफ फसल बोया और काटा कब जाता है, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, खरीफ फसल बोया और काटा कब जाता है, उसके लिए भी ट्रिक है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। खरीफ फसल, खरीफ फसल, यहाँ दोस्तों देखिए बहुत ही तरीका से हम बता रहे हैं दोस्तों, जिसको आप लोग बहुत ही आसान तरीके से समझ पाइएगा। देखिए खरीफ फसल जो है दोस्तों, यह बोया, यहाँ पे काटा, बोया और काटा कब जाता है, इसको सिंपल तरीके से हम लोग देखेंगे दोस्तों, बोया कब जाता है, तो इसके लिए ट्रिक है दोस्तों जे जे, जे जे, और काटा कब जाता है, इसके लिए नदी। बहुत ही तरीका है इसका, देखिए बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है दोस्तों। जे जे का अर्थ हो गया यहाँ पे जून, यहाँ पे हो गया जुलाई, जे जे जून जुलाई, यानी जून जुलाई में बोया जाता है, और यहाँ पे काटा कब जाता है दोस्तों, तो नवंबर, देखिए नवंबर, और यहाँ पे आपका हो जाएगा दिसंबर। देखिए कितना बेहतरीन ट्रिक हो गया, खरीफ फसल बोया कब जाता है, तो इसके लिए ट्रिक है जे जे, और काटा कब जाता है नदी, तो दोनों को एक साथ हम लोग याद कर पाइएगा। ठीक है, जे जे नदी,
यानी बोया जाता है जून जुलाई में और काटा जाता है नवंबर दिसंबर में। इस तरह से दोस्तों खरीफ फसल बोया और कब काटा जाता है, तो इसके लिए ठीक हो गया जे नदी, यानी जून जुलाई में बोया जाएगा और नवंबर दिसंबर में काटा जाएगा। इस तरह से हम लोग का टोटल सूत्र हो गया दोस्तों ट्रिक वाला, जब हरा गधा तिल में हो। एक बार और देख लेते हैं, जहाँ ज से क्या हो गया ज्वार, ब से हो गया बजरा, और हरा है तो इसके सेंस में अरहर बना दिए, ग से हो गया गन्ना, धा से हो गया धान, तिल तिल है तो तिल से तिलहन हो जाएगा, मे से मक्का हो गया। यानी बहुत ही आसान तरीके से हम लोग याद कर पाए कि जब हरा गधा तिल में हो, तो खरीफ फसल का ट्रिक हो गया दोस्तों। और खरीफ फसल बोया कब जाता है और काटा कब जाता है, तो इसके लिए ट्रिक हो गया जे नदी, जून जुलाई में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में काटा जाता है। जून जुलाई में बोया जाएगा, नवंबर दिसंबर में काटा जाएगा, तो खरीफ फसल का यह बोया और काटा कब जाता है इसका ट्रिक हो गया दोस्तों। इससे रिलेटेड एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों रबी फसल के लिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम रबी फसल की चर्चा करेंगे। तब तक ले जाएंगे।